सुप्रभात मान्यवर, मैं हूँ इस समय पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और ये जो ट्रेन है ये है महानंदा एक्सप्रेस। आज का मेरा जो प्लान है वो है एक बार फिर से देश से बाहर जाने का, लेकिन इस बार मैं ट्रेन से जा रहा हूँ। मेरी जो ये सफ़र है ये है दरअसल नेपाल के लिए। नेपाल में एंटर करने के बहुत सारे जो है रास्ते हैं, लेकिन अगर मैं चाहता तो वेस्ट की तरफ से एंटर कर सकता था, टनकपुर की तरफ से कर सकता था, या नेपालगंज की तरफ से कर सकता था, या बिहार में जयनगर है वहाँ से एंटर कर सकता था। लेकिन मेरा जो प्लान है वो एकदम अलग था कि मैं इस बार जो नेपाल एंटर करूँ वो पूर्व की तरफ से करूं और पूर्व से मैं पूरा नेपाल पश्चिम की तरफ घूमता हुआ आऊं। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मुझे नेपाल के पूर्व में जाना है और पूर्व का जो भी एंट्री गेट होगा, जो भी बॉर्डर होगा, वहां से मैं एंट्री करूंगा। नेपाल के पूर्व के गेट पे पहुंचने के लिए हमें वेस्ट बंगाल जाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा दिल्ली से बागडोगरा, जो कि सिलीगुड़ी के पास में है। और यहाँ की समस्या ये है कि जो ट्रेन्स हैं ये बहुत कम आपको मिलेंगी। ये वाली जो ट्रेन है ये इकलौती ऐसी ट्रेन थी जो वहाँ के लिए डायरेक्ट जाती है, और बाकी कुछ ट्रेन्स हैं जो उससे आगे जाती हैं, लेकिन जो सीट्स हैं वो किसी ट्रेन में नहीं मिली। तो मुझे सेकेंड क्लास की जो टिकट है वो इस वाली ट्रेन में मिली है, महानंदा एक्सप्रेस। ये यहाँ से चल के बागडोगरा कल पहुँचेगी। अभी ये सुबह 7:35 पर यहाँ से चलेगी और कल दोपहर लगभग 2:15 इसका बागडोगरा पहुंचने का समय है। अगर ये समय पे पहुंचती है तो मैं कोशिश करूंगा कि कल ही मैं नेपाल बॉर्डर एंटर कर जाऊं। तो आइए आपको लेके चलता हूं एक और नए देश में। अजीब सी बात पता चली, एक वो पेंट्री वाले आए थे यहाँ पे, तो वो बता रहे थे कि इस ट्रेन में आपको अपने बैग का ख़ास ध्यान रखना है, इसमें चोरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आज तक किसी ने मुझे बोला नहीं ऐसे वैसे। फिलहाल मैं ब्रेकफास्ट घर से ही करके आया था, तो अभी मैंने खाना ऑर्डर किया है। दरअसल अब इंडियन रेलवे में आप क्या कर सकते हैं कि बाहर से भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको यहाँ का खाना पसंद नहीं है ट्रेन का। तो एक लिंक आता है IRCTC का ही, तो जिसमें ऑप्शन होता है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स से आप अपना खाना मंगा सकते हैं, इंक्लूडिंग डोमिनोज। तो ये मैंने दरअसल ऑर्डर किया है, ये लगभग 2:45 कानपुर सेंट्रल पे मेरा जो फूड है वो यहीं पे इसी जगह पे मुझे जो है डिलीवर कर दिया जाएगा, लेकिन ये बाहर का फूड है, बाहर के एक रेस्टोरेंट का है। तो मैंने एक एग्जीक्यूटिव थाली मंगाई है, उसकी कॉस्ट है 129 रुपये और प्लस फिर उसमें टैक्स है और 30 रुपये डिलीवरी चार्ज है, तो 165 रुपये की पड़ी है मुझे। और इसमें लिखा है कि कानपुर सेंट्रल पे ये मुझे डिलीवर हो जाएगा, और इसमें रेटिंग भी होती है हर रेस्टोरेंट की अलग अलग, तो आप रेटिंग के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं जिसकी अच्छी रेटिंग है। इसकी रेटिंग अच्छी थी, ये तिवारी फूड्स करके है, तो रेटिंग अच्छी थी 4.2/5। तो देखते हैं अगला बड़ा स्टेशन वो होगा कानपुर। कानपुर में मैं लंच करूँगा और उसके बाद फिर देखते हैं डिनर कहाँ होता है, वहाँ पर भी कोई ऑर्डर कर दूँगा। लगभग 31 घंटे का ये सफ़र है और 31 घंटे मैं कैसे गुजारूंगा मुझे खुद नहीं पता। और इसकी जो सीट्स हैं वो भी नॉर्मल सीट्स हैं, कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, बार बार इधर उधर घूमना पड़ रहा है।
कानपुर सेंट्रल और यहाँ पे मेरा लंच आने वाला होगा। थर्टी सिक्स ठीक है सर, चेंज ना हो तो आप ऑनलाइन मुझे कर दीजिए। एक्चुअली क्या चेंज में बहुत चेंज नहीं है, चेंज तो मेरे पास नहीं है। चेंज एक्चुअली सर मैं बहुत दे के आ गया हूँ। बोलो क्या, गूगल पे करूँ? स्कैनर दे रहा हूँ आपको। ठीक है थैंक यू। थाली तो मस्त आई है, चपाती है, थोड़े से राइस है, इधर भरता है, इधर कोई दाल है, इधर रायता और ये पनीर। लंच हो गया है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और लंच की जो क्वालिटी थी खाने की, 5 में से 3, 3.5 दे सकते हैं, लेकिन जो IRCTC के जो अंदर मिलता है खाना उससे अच्छा। चलो जी कानपुर को बाय बाय। दरअसल ये कानपुर में इतने टाइम में ट्रेन रुकी कि मैंने पूरा लंच कर लिया। दूसरा दिन और ये ट्रेन शायद इससे तेज कछुआ भी चलता होगा। अभी हम लोग हैं कटिहार, एक बिहार में स्टेशन है, और यहाँ पे ये ट्रेन रुकी है लगभग मेरे ख्याल से 40 मिनट से। क्यों रुकी है कोई पता नहीं। महानंदा एक्सप्रेस को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा वेस्ट बंगाल की तरफ जाने के लिए। ये इस ट्रेन में टोटल 46 जो स्टेशन है वो मुझे पार करने हैं, 46, और इसको पहुँचना था लगभग 2:30 बजे बागडोगरा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये बागडोगरा पहुँच पाएगी 2:30 बजे तक। ये ट्रेन ऑलरेडी लेट है, और किस वजह से लेट है ये समझ से परे है। वेस्ट बंगाल और बिहार के बॉर्डर पे चल रही है, यानी कि इधर को मेरे राइट साइड में है वेस्ट बंगाल और मेरे लेफ्ट साइड में है बिहार, और ये कभी बिहार में जाती है कभी ये वेस्ट बंगाल में आती है। अभी पीछे एक स्टेशन आया, उस स्टेशन को तुरंत क्रॉस करते उसमें लिखा था बिहार, जैसे उस स्टेशन यानी कि वो स्टेशन था वेस्ट बंगाल में, और स्टेशन क्रॉस करते ही ये ट्रेन आ गई बिहार में वापस। अब ठीक ऐसे ही ये अब यहाँ से चलती रहेगी बिहार में काफ़ी देर तक, और उसके बाद फिर दोबारा से जाके ये एंटर कर जाएगी दोबारा से वेस्ट बंगाल में। अभी हम लोग फिलहाल बिहार में एंटर कर चुके हैं। दरअसल अभी हम यहाँ पे हैं, और ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये है नेपाल बॉर्डर। ये जगह बोलते हैं यहाँ पे इंडियन साइड में पानी टंकी, और ये ट्रेन आगे जाएगी यहाँ बागडोगरा के लिए, यानी कि अगर मैं बागडोगरा जाता हूँ तो मुझे वापस आना पड़ेगा यहाँ बॉर्डर के लिए, लगभग 20 किलोमीटर है। और मैं ये अभी मैंने मैप में देखा कि हम इसके रास्ते से ही जा रहे हैं, अगर ये यहाँ पे रुकती है तो मैं यहीं उतर लूँगा, फिर मैं आगे नहीं जाऊँगा, तो मेरा जो है ये 20 किलोमीटर और बच जाएगा। और यहाँ से फिर मैं ये आप देखेंगे ये नेपाल बॉर्डर के लिए ये एक मैची रिवर है उसको क्रॉस करते हैं नेपाल बॉर्डर है, तो मुझे लगता है मुझे तैयार रहना चाहिए। अगर ये मौका मिलता है तो फिर मैं यहीं पे उतर लूँगा। इसका जगह का नाम है पानी टंकी।
दरअसल ये है नक्सल बड़ी, जो कि पानी टंकी पे तो ये गाड़ी नहीं रुकी, लेकिन उससे अगला स्टॉप है और यहाँ से पानी टंकी है सिर्फ 5.5 किलोमीटर। यहाँ से मैं किसी ऑटो वगैरह में जा सकता हूँ, क्योंकि जो बागडोगरा है वो और आगे है, मैं जाना नहीं चाहता। ना उस साइड में प्लेटफॉर्म है ना इस साइड में, अगर मुझे उतरना है तो ऐसे ही उतरना। चलिए उतर जाता हूँ। ये थी जी महानंदा एक्सप्रेस। दरअसल महानंदा यहाँ पे एक नदी का नाम है। कहाँ है इसने मुझे ट्रैक पे लाके छोड़ दिया। छोड़ देंगे आपको कान इंडिया चेक पोस्ट। इंडिया चेक पोस्ट, हाँ ठीक है। कोई कोई होता है ना जिन्हें, ठीक है मैं इतना दे दूंगा, तुम मेरे को भाई दूसरा गाड़ी में उठा दो, कोई सब कोई बोलता है फिर इसका लेके ले जाएगा। अब मैं वो जैसे वो डायरेक्ट भाई इंडिया चेक पोस्ट छोड़ दूंगा, उसके बाद आप दूसरा गाड़ी ले दो, हम कर देंगे तो उसको अलग से उठा दो, सब कोई चले होता है लेके जाता, बहुत झगड़ा होता है वैसे जाके। अच्छा आपने तो बोला है ब्रिज तक, आधा ब्रिज तक नहीं है इसको बोला नहीं। ये नदी है जी यहाँ पे जो भारत को नेपाल से अलग करती है। ये इस साइड है भारत और उस साइड है नेपाल। और ये यहाँ से नेपाली ऑटो, दरअसल अभी पीछे वो हाय पीछे सिक्योरिटी वाला ने मेरा ये वीडियो डिलीट करा दिया, कह रहे कि आपने सिक्योरिटी का वीडियो बनाया है तो ये आपको डिलीट करना पड़ेगा। बड़े पोलाइटली बोला उन्होंने कि माफ़ कीजिए यहाँ पे क्योंकि ये सिक्योरिटी वाला जोन है, ये वीडियो आपको डिलीट करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं। तो वो है पीछे नो, तो आप चलें जी। लगभग 34 घंटे के सफ़र के बाद मैंने एंटर कर दिया है नेपाल। और इस जगह का नाम है, यहाँ पे जो टाउन आएगा पहला वो आएगा कक्कड़बिट्टा। कक्कड़बिट्टा में मैं आज की रात रुकूँगा। और मेरा डिसीजन बड़ा अच्छा था जो मैं आगे नहीं गया, यानी कि बागडोगरा की तरफ नहीं गया। मैंने वो जो भाई साहब मिले थे उन्होंने 50 रुपये लिए, और खैर ठीक है लगभग 6 किलोमीटर के उस बंदे ने 50 रुपये लिए, कोई बात नहीं। और मेरा जो डिसीजन था एकदम ओके था, और मैं सूर्यास्त के साथ साथ मैं पहुंच गया हूं नेपाल। तो ये है जी आज के लिए मेरा रूम, इसमें एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड लगा हुआ है, पर मैं अकेला हूं। तो ये दरअसल एसी रूम है, यहां पे एसी भी लगा हुआ है। ये मुझे मिला है 500 इंडियन रुपीज़ में, यानी कि नेपाली 800 रुपये। मैंने अभी जो है नेपाली रुपये भी ले लिए हैं, लगभग 5000 के मुझे मिले हैं 8000 नेपाली रुपए। और दूसरी चीज़ यहाँ की मैंने सिम ली, अब सिम यहाँ पे है एन सेल की, जो मुझे पड़ी है 100 रुपये की यहाँ पे सिम मिलती है, उसके बाद जो भी प्लान आप डालोगे वो अलग से होगा, 100 रुपये की सिम है। तो मैंने पे किए हैं 500 नेपाली रुपीज़ में मुझे मिला है 20 GB का डेटा, जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे भी वो वाले प्लान थे इंडिया वाले 1.5 GB 2 GB वाले, पर वो मुझे लगा मेरे लिए सही नहीं होंगे क्योंकि मुझे वीडियो भी अपलोड करने हैं। और जहाँ से मैंने पैसे एक्सचेंज किए थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप एन सेल ले लीजिए, पूरे नेपाल में अच्छा चलेगा। तो फिलहाल अब मैं नेपाल में घूमने के लिए
पूरी तरह से इक्विप्ड हूँ। इस जगह का नाम है ककड़बिट्ठा। ये दरअसल इंडियन बॉर्डर पे है, बिल्कुल आपने देखा इंडिया बॉर्डर पे है।